मेक सेंस। तो आपने भी जो भी चीजें हमें समझाई, हमें बताई, उसमें एक बात तो तय है कि जो एक ऑरा है आईएएस का, वो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट है, जो कि रियलिटी से थोड़ा अलग है। ज्यादा नहीं, बट कुछ कुछ फर्क जरूर है। जैसे मान लीजिए, जो लोग शहरी परिवेश से आते हैं, अगर उन्हें किसी ग्रामीण इलाके में पोस्टिंग दे दी गई, तो कुछ कुछ चीजें शायद उन्हें ना जमे। तो ऐसे में सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए हाउ कैन एन एस्पिरेंट डिसाइड कि भाई क्या आईएएस मेरे लिए सही में है भी, या फिर और जो 32 सर्विसेज हैं मैं उनको देखूं। तो वो इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, दैट इज आईएएस रियली फॉर मी और नॉट? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द वर्क। उससे ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत टाइम पे हमने देखा है जो चीजें हमें सर्विसेज में आने से पहले अट्रैक्ट करती थी, इट कुड बी अ बीकन कार, इट कुड बी अ बिग बंगलो, इट कुड बी अ सिक्योरिटी विद यू, ये चीजें 6 महीने की चांदनी टाइप होता है। आफ्टर अ जी पॉइंट यू गेट बोर्ड ओवर दीज थिंग्स। सब समय आपके साथ गाड़ी में कोई बैठा रहेगा ना, तो आप फोन पे खुल के बात भी नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट। तो ये चीजें जो दूर से अट्रैक्टिव लगती थी शुरू में, ये चीजें इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। जो चीजें आपको डेली मिल रही है, आपको लगता है कि यार ठीक है ना, मतलब इट्स ओके। अब उसके बाद समटाइम्स चैलेंजेस कम टू डिफरेंट लेवल ऑल्सो। कभी कभी जैसे लाइक आई वॉज पोस्टेड इन कूच बिहार, जहाँ मैं जिस सब डिविजन में SDM था, वहां पर एक ब्रेड नहीं मिलती थी मुझे। अगर मुझे ब्रेड लेनी है तो वो मतलब, अब कोई बोलेंगे कि नहीं वो जो लोकल ब्रेड है वही अच्छी है, बट जब मैं पूरी जिंदगी जब दिल्ली NCR में रहा हूँ, मैंने हार्वेस्ट की ब्रेड खाई है, तो वो जो ब्रेड मेरे को मिली, मैं नहीं खा पाया उस ब्रेड को, ठीक है। तो कई बार इस टाइप के भी चैलेंजेस आते हैं, तो इसको मैं चैलेंज नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है जिस जगह पे वो, हर जगह अच्छी होती है, उस जगह के हिसाब से हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। बट इफ आई स्टार्ट कंप्लेनिंग कि वाई इज दिस एंड वाई इज दैट, देन दिस इज नॉट फेयर। बिकॉज जब मैं पेपर दे रहा था, तो मुझे पता था कि मेरी पोस्टिंग इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। तो आई ट्रू ऑलवेज यूज टू कीप रेडी फॉर थिंग्स, एंड मैं एक्सपेक्टेशन काफी लो ही लेके चलता था कि ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, जो मिलेगा अच्छा ही है। हो सकता है ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर आपको कोई शॉपिंग मॉल ना मिले, आप एक मूवी भी नहीं देख सकते, बट वॉट इज द प्रायरिटी। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि यार ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बट सो इट्स दिस इज वन थिंग आई एम रियली हाँ अप्रिशिएटिव अबाउट, कि आपकी एक ओनरशिप है कि भाई अच्छा है मेरा, नहीं है तब भी मेरा। और ये पता होना चाहिए कि जब आप एग्जाम दे रहे हो, कि इसकी सच्चाई ये ही है कि आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी भेजे जा सकते हो। एग्जैक्टली